गो फर्स्ट की तरह अब हर इंडियन एयरलाइन पर लगने वाला है ताला। अगर भारत के एविएशन सेक्टर पर नजर डालें तो आपको बता दूं दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर 3 बाय 2024। ये तो अब मोदी जी ने भी कह दिया। साल 2026 तक इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट रुपीज 1.83 बिलियन डॉलर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एयरपोर्ट्स को एडवांस बनाने का फायदा क्या जब इंडियन एयरलाइंस ही बैंकरप्ट हो रही हैं? जैसे किसी जमाने में जेट एयरवेज बंद हो गई थी, फिर किंगफिशर, फिर एयर डेक्कन, अब गो फर्स्ट, अगला नंबर किसका? तो शुरू से शुरू करते हैं, जब पहली एयरलाइंस बैंकरप्सी के चक्कर में बंद हो गई थी। ईयर 1993 में शुरू हुई जेट एयरवेज से, जो कि इंडिया की किसी जमाने में सबसे बड़ी एयरलाइंस हुआ करती थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स द कंपनी स्टार्टेड टू डिक्लाइन और साल 2019 में 26 साल की ये कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। न्यूज में इसके कुछ रीजन सामने आए थे, कैबिन क्रू और कंपनी मेंबर्स का मिसमैनेजमेंट, फ्लाइट में डलने वाले फ्यूल के सुपर हाई प्राइसेस, बिजनेस ना चलने की वजह से जेट एयरवेज में कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा था, सो नो इन्वेस्टर्स, हेंस नो मनी टू ऑपरेट। साथ ही इंडिगो और बाकी एयरलाइंस कंपटीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी, तो मार्केट में जेट एयरवेज के लिए टिक पाना थोड़ा मुश्किल साबित हो गया था। और लास्टली, अगर जेट एयरवेज है तो क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो महंगे प्लेन्स, महंगे खर्चे, महंगे एम्प्लॉइज, ये सब जेट एयरवेज को लिटरली महंगा पड़ गया। और बस फिर क्या, जेट एयरवेज पे लग गया ताला, क्योंकि जेट एयरवेज के ऊपर कर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड सून द कंपनी वॉज अंडर अ डेट ऑफ रुपीज 8,000 करोड़। लास्ट में जेट एयरवेज के पास केवल 5 प्लेन्स बचे थे, क्योंकि क्रेडिटर्स ने उनके काफी सारे प्लेन्स को सीज कर लिया था। तो यहाँ खत्म हुई जेट एयरवेज की कहानी, और फिर आई पिक्चर में किंगफिशर बाय द वन एंड ओनली मिस्टर विजय माल्या। किंगफिशर एयरलाइंस वॉज फाउंडेड इन 2005 और वो एक ऐसी कंपनी थी जिसको मिली एन इम्प्रेसिव स्काई ट्रैक्स रेटिंग ऑफ 5 स्टार्स व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस। यानी उनकी कस्टमर सर्विस वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज थी। इट्स अ ह्यूज डील। लेकिन फिर अचानक हुआ क्या कि किंगफिशर भी बैंकरप्ट हो गई, और किंगफिशर एकदम अचानक नहीं, उनकी बात को बिगड़ने में पूरे 7 साल लगे एंड बाय दैट टाइम किंगफिशर के एक्युमुलेटेड लॉसेस वर मोर देन रुपीज 880 मिलियन डॉलर्स। बस फिर क्या, आखिर में किंगफिशर स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशंस इन 2012 एंड 2014 में इट गॉट ऑफिशियली शट डाउन। और उसके बाद बात करते हैं इंडिया की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर डेक्कन। कहा जाता है कि एयर डेक्कन की कुछ लोगों को टिकट्स केवल 1 रुपी में भी मिली थी। दिस एयरलाइंस वर फाउंडेड बाय मिस्टर जी आर गोपीनाथ, अ रिटायर्ड इंडियन आर्मी कैप्टन, इन द ईयर 2003। 2007 तक एयर डेक्कन की दिन में करीबन 380 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, वो भी 67 एयरपोर्ट से। मतलब धंधा चल रहा था जोरदार, लेकिन ये अच्छा समय केवल 2007 तक ही था। टिकट्स को अफोर्डेबल करने के लिए कंपनी स्टार्टेड टू फेस लॉसेस, और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 2007 में एयर डेक्कन डिसाइडेड टू मर्ज विद किंगफिशर। बट उन्हें क्या पता था कि ये डिसीजन होने वाला है मेजर फ्लॉप। हालांकि कंपनी ने कमबैक करने की कोशिश काफी की, लेकिन ना किस्मत, ना समय और ना पैसे ने साथ दिया, तो इस कंपनी को शट डाउन होना पड़ा। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर, जो मुझे आपसे पूछना है। आपकी भी गो फर्स्ट की टिकट्स कैंसिल हुई थी क्या? हुई थी, तो चलिए बताती हूँ कि क्यों हुई थी। गो फर्स्ट ने मई 2023 में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी, जिसका मेन रीजन फाइनेंशियल इश्यूज था, जो किसकी वजह से हुए? कोविड-19 पैंडेमिक, फ्लाइट फ्यूल के बढ़ते प्राइसेस और प्लेन में इंजन के इश्यूज की वजह से। गो फर्स्ट में लगभग 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, और इस कंपनी के क्लोजर ने बहुत ज्यादा जॉब लॉस क्रिएट किया। और मुद्दे की बात तो ये है कि इस कंपनी के बंद होने के बाद बाकी एयरलाइंस ने अपने प्राइसेस को सोने के भाव बेचना शुरू कर दिया, और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये प्राइसेस और बढ़ते जाएंगे। कहां? प्रोबो ऐप पर। प्रेडिक्शंस सारे प्रोबो ऐप पर होते हैं, जाओ आप भी चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको भी लगता है कि इंडिगो, अकासा या कोई और एयरलाइंस सबसे बड़ा मार्केट शेयर बनाने में सक्सेसफुल होने वाली हैं, तो प्रोबो पर ही अपना ओपिनियन दो। खैर, इवन आफ्टर ऑल दिस, इंडिया की एविएशन गेम बहुत स्ट्रांग रही। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड्स नंबर 3 बनने में अब देरी नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2023 में डोमेस्टिक एयरलाइंस ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया, एक महीने में 40,000 फ्लाइट्स का। और सिर्फ यही नहीं, हर दिन 4,50,000 पैसेंजर्स इन फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना है दैट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स ग्लोबली, यानी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई एविएशन मार्केट है। क्या आप इस बात से अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स में जरूर बताना।
कि आपको इस वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई इंडिगो की फ्लाइट की टिकट ले या अकासा की या किसी और एयरलाइंस की। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना।